दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जेब में अगर पैसा हो तो दुनिया सलाम करती है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। हर किसी को इस दुनिया में पैसा चाहिए। ऐसे में भारत के पैसे को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि दुनिया भर में किस तरह की करेंसी इस्तेमाल की जाती है और उसे कैसे बनाया जाता है। चाइना से लेकर अमेरिका तक आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप पक्का हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। यूएस कैश। दोस्तों सबसे पहले अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। नोट प्रिंटिंग के लिए ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट काम करता है, जिसे 1862 में तैयार किया गया था, और तब से लेकर अब तक इसी के अंडर में अमेरिकन डॉलर्स के नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर दो प्रिंटिंग फैसिलिटीज है, पहले वॉशिंगटन डीसी में और दूसरी टेक्सास में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकन डॉलर के नोट 65 अलग अलग स्टेप्स में तैयार होकर प्रिंट करवाए जाते हैं, जहां नोट को 75% कॉटन और 25% लिनन से तैयार किया जाता है, और प्रिंटिंग से पहले नोट पर छापी जाने वाले डिजाइन को सॉफ्ट स्टील प्लेट पर बनाया जाता है, और फिर इस प्लेट को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसमें प्लेट के ऊपर बनी डिजाइन प्रिंटिंग प्रेस मशीन में छप जाती है, और फिर प्रिंटिंग प्रेस मशीन उसी डिजाइन को नोटों के ऊपर छापती चली जाती है। जब नोट छप जाते हैं तो उसमें वाटर मार्किंग और सिक्योरिटी सील वगैरह भी लगा दिया जाता है। फिर नोटों का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन होता है कि कौन सा नोट सही है और कौन सा सही नहीं है। जो नोट बिल्कुल सही होते हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, उन्हें कटिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर उनके बंडल बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं ताकि आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। और अगर हम अमेरिका में चलने वाले सिक्कों के बारे में बात करें तो उसकी जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स मिंट की है, जिसे 1792 में शुरू किया गया था, जहां सबसे पहले सिक्कों पर छापे जाने वाले डिजाइन को तय किया जाता है, और एक बार जब वो अप्रूव हो जाता है तो उस डिजाइन को डाई के अंदर बना दिया जाता है, और फिर मेटल की बड़ी बड़ी शीट ली जाती है जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और पतला किया जाता है। हालांकि उसका साइज और मोटाई इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने डॉलर का सिक्का होगा, उसी हिसाब से उसमें डाई के जरिए छपाई की जाती है और ये सिक्के बनकर तैयार हो जाते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन सिक्कों को बनाकर काफी समय से अमेरिका घाटे में चल रहा है। जितनी तो इन सिक्कों की कीमत नहीं होती, उससे ज्यादा पैसे इनकी बनवाई में लग जाते हैं। जिंक और कॉपर लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। इंडियन। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे भारत की, जहां होशंगाबाद से पेपर मंगाया जाता है। हालांकि होशंगाबाद के अलावा जापान अमेरिका जैसे देशों से भी पेपर इंपोर्ट होता है, और भारत में मौजूद 4 प्रिंटिंग प्रेस जो देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी में मौजूद है, वहां नोट छाप कर तैयार किए जाते हैं। इन नोटों में जो इंक इस्तेमाल होती है उसे स्विट्जरलैंड से मंगाया जाता है, और जब सारी चीजें हो जाती है तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से आरबीआई इन सभी प्रिंटिंग प्रेस को डेटा देती है कि कब कितने नोट छापने, और उसी हिसाब से यहाँ पर नोटों की छपाई होती है। नोटों के अंदर आने वाले डिजाइन से लेकर उसके वाटर मार्क तक हर एक चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार द्वारा तय किया जाता है। भारत में छपने वाले नोटों की सिक्योरिटी पर काफी ध्यान दिया जाता है। अब दोस्तों अगर हम भारत में तैयार होने वाले सिक्कों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत में सिक्कों का कितना ज्यादा प्रचलन है। हालांकि सालों से भारतीय सिक्कों में कई सारे बदलाव आए हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। जहां भारत में 4 ऐसी जगह हैं जहां सिक्के बनकर तैयार होते हैं, एक तो मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद और चौथा नोएडा। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, आप सिक्के को देखकर पहचान सकते हैं कि उसे कहां पर ढाला गया। जी हाँ, हर सिक्के के नीचे एक निशान बना होता है, जैसे कि अगर डायमंड बनाओ तो ये सिक्का मुंबई में बनाया गया है, अगर डॉट बनाया तो ये छोटी सी बिंदी बनी होती है, ये सिक्का नोएडा में बनाया गया है, अगर स्टार बनाओ तो ये सिक्का हैदराबाद में बना है, और अगर कुछ नहीं बना तो ये सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों साल 2006 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में 60% से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कैश से की जाती थी,
ना कि चेक, ना क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड। और ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला जमाना है ना, ये था ही नहीं। वहां लोग ज्यादा से ज्यादा कैश में डील करते थे, लेकिन साल 2018 के आंकड़ों को देखें तो अब केवल 28% ट्रांजैक्शन कैश से किया जाता है। लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ काफी भारी मात्रा में कैश से लेन देन होता रहता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब होती है जब 2016 में पेपर नोट को हटाकर पॉलीमर नोट छापने की शुरुआत की गई। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में पॉलीमर से बनकर तैयार होने वाले नोटें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक चलती है और जल्दी फटती भी नहीं है। इन नोटों को लेकर जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात है वो ये कि इनके अंदर सुअर का मीट मिलाया जाता है। पेपर नोट से बहुत ही अलग पॉलीमर नोट में अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं। वहीं अगर हम वहां चलने वाले सिक्कों के बारे में बात करें तो दोस्तों, सिक्कों को तैयार करने की जिम्मेदारी रॉयल मिंट की है, जिसकी शुरुआत 1886 में की गई। इन सिक्कों को बनाने के लिए 75% कॉपर और 25% निकल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बनाने का प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे यूएस में सिक्के बनाए जाते हैं। चाइना, दोस्तों अब बात करते हैं चाइना की, जिसके पास सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली बैंक नोट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि चाइना में नोटों का इस्तेमाल का चलन अभी से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से चला आ रहा है, जिसे समय समय पर अपग्रेड किया गया है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां नोटों की छपाई में चाइना ने बहुत उनकी मदद की है। थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, यहां तक कि ब्राजील तक में चाइना की मिंटिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन देशों को अपनी मुद्रा संचालित करने का सही तरीका पता चला। चाइना ने इन देशों को नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई के बारे में बताया और उनकी मदद की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोमांचक वीडियो, जिस पर आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताना। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।